तो मेरा ऐसा कर भाई यार, सपना का फैन दिल्ली से लागुना अच्छा एरिया है। ये एक पकड़ा दे, हम यही चढ़ा देंगे। पर भाई बोल रहा है नहीं, हम बना के देते हैं 100 रुपए का, 150 रुपए का। शेर वेर लगा रखे हैं, बढ़िया लाइन लग रही है, बढ़िया वाली। उधर देख तो उत्तर भी बिक रहे हैं। इस गेट से आप अंदर जाओगे तो माता रानी की मूर्ति अंदर है। लाइन सिर्फ लग रही है गर्भगृह के अंदर जाने के लिए। ये है गर्भगृह। 500 रुपए दोगे VIP में भी दर्शन कर सकते। और एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। मैं रोहित और मैं हूँ अभी गुवाहाटी में। ये पीछे जो दिख रहा है ये हमारा हॉस्टल है जहाँ हमने स्टे किया है। 300 कुछ रुपए का पड़ा है हमें एक नाइट का। तो हमने अब चेकआउट कर दिया, सामान अपना इधर रिसेप्शन पर रख चुके हैं, क्योंकि हम जा रहे हैं कामाख्या देवी टेम्पल है जो गुवाहाटी के अंदर, हम वहाँ जा रहे हैं। ये रिक्शा भाई, इस रिक्शे में चल रहे हम, तो मिलते हैं रास्ते में। तो भाई ये कुछ रास्ता है जहाँ से हम जा रहे हैं। यहाँ अंदर हमारा गली और ये है गुवाहाटी की सड़कें। अगर ट्रैफिक की बात करूँ तो भाई गुवाहाटी और दिल्ली में मतलब थोड़ा ही फ़र्क है। ट्रैफिक बराबर ही चल रहा है इस टाइम, तो यहाँ आप खुद देख सकते हैं। और यहाँ भी हो तो मतलब हर चीज़ सुविधा मिल जाएगी आपको, रैपिडो वगैरह, जोमेटो फोमेटो वो सारा मिल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब हर तरीके की सुविधा है, मतलब शहर है ये पूरा गुवाहाटी। जैसे अपना दिल्ली होगा ना, ऐसी गुवाहाटी पूरा शहर है। ये है भाई पूरा गुवाहाटी देख रहे, मतलब हर चीज़ शोरूम वगैरह, मॉल वगैरह, पता नहीं क्या क्या है भाई, सब कुछ मिलता है यहाँ सब कुछ। और रही बात खाने की, तो भाई रात को हमने वेजिटेरियन खाना बहुत मुश्किल से मिला, क्योंकि मैं और राहुल दोनों वेजिटेरियन हैं। तो वेजिटेरियन खाना बड़ी मुश्किल से यहाँ मिला। यहाँ हर जगह ज़्यादातर नॉन वेज ही मिल रहा है, तो भाई ये थोड़ी सी यहाँ आपको दिक्कत हो सकती है, बाकी तो सब परफेक्ट ही है। ये देखो ना, ये है पूरा गोवा। तो मतलब ये है तो मैं सपना के फैन। अरे वाह, मिलवा दे तुम्हें सपना से। ना मिलवाने का जरूरत नहीं है, मिल लूंगा जिस दिन जाऊंगा उस दिन मिल ही लूंगा, ऐसा बात नहीं है। क्या है, सपने में तो सपने में मिलेगा। अरे हम हरियाणा से ही हैं, हम हरियाणा से हैं। हरियाणा कौन सी जगह? हम लगा लो एक सोनीपत का, एक गुड़गांव का। गुड़गांव तो कापासरा से कितना? अरे बेटे सारी इन्फॉर्मेशन ले रहा भाई। कौन कौन से गाने सुनते हो हरियाणा के? अगर गा के सुना दे बड़ा जी तो मेरा ऐसा कर। सही है भाई, मजा आ गया भाई। भाई गाना अभी रिंगटोन बजी भाई की सपना के गाने। यार भाई यार सपना का फैन। ये असम के रोड देख लो, ये वाले रोड है। मतलब बीच बीच में कई कई पैच ऐसे हैं जहाँ पर इन्होंने ये वाले रोड लगा रखे हैं, और सरकारी बसें चलती हैं। जैसे ये देख लो सामने रही पलटन बाजार वगैरह लिखा है बस पे, तो ये ऐसी दो बसें, एक ऑरेंज होगी एक वो ग्रीन वाली बस है, ब्लू है, हाँ वो ब्लू कुछ करके ही है। तो ऐसी सरकारी बसें चलती हैं, RTO चलती है, ये रिक्शा वगैरह चलते हैं बैटरी वाले। और मार्केट वगैरह देखे तो सही है। साफ़ सफाई के मामले में बात करें तो भाई दिल्ली से लागुना अच्छा एरिया है गुवाहाटी। एक दिन में मतलब बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं अपने हॉस्टल से यहाँ तक आया हूँ और अभी आ गए होंगे 3-4 किलोमीटर। बट सच्चाई बताऊँ तो भाई दिल्ली से लाख गुना सफाई है गुवाहाटी के अंदर। अपने खुद को करनी पड़ती है, यहाँ के लोग समझते अपने दिल्ली वाले नहीं समझते। अब दिल्ली वाला जो होगा बुरा मानो मानो, मैं भी दिल्ली से ही हूँ, ठीक है दिल्ली में ही रहता हूँ, पर जो सच्चाई है उसे कोई नहीं हटा सकता। बाकी ये देखो भाई, ऐसी दुकानें हैं छोटी छोटी, और देख लो भाई ये कुछ एरिया है। ये पहुँच गए हम, मेरे ख्याल से पहुँच ही गए हम। हाँ अच्छा, यहाँ से ये मेन द्वार दिखा दिया इन्होंने, माँ कामाख्या देवी द्वार, देवालय, देवालय लिखा था, माँ कामाख्या देवी देवालय में आपका स्वागत है। तो यहाँ से अब ये पूरा पहाड़ी टाइप चालू हो गया, देखो मेरे को ऐसा ही लग रहा है, पूरा पहाड़ी टाइप लग रहा है पूरा A to Z। और मतलब वही जैसे सिक्किम गया था ना जब, तो गैंगटोक वाला जो रास्ता था उस टाइप से लग रहा है ये पूरा का पूरा, देख लो मतलब सही बना रखा है यार, कुछ भी कहो मज़ा आ गया देख के। दिल्ली के रोड और यहाँ के रोडों में कितना फ़र्क है, मैं कंपेयर कर रहा हूँ, सच्चाई है ये। दिल्ली के रोड इतने अच्छे नहीं होंगे जितने यहाँ के रोड अच्छे हैं। चलो भाई ये आ गए हम यहाँ, ये देख लो ये वो है, यहाँ से प्रसाद वरसाद ले सकते हैं। दोनों तरफ वही दुकानें हैं, मेन सामने एंट्रेंस है मंदिर का, मतलब ठीक है, भीड़ भाड़ है पूरी बढ़िया वाली। तो ये प्रसाद वरसाद की दुकानें हैं, रख रहे रुक जाओ, चप्पल तो रख देंगे। इधर ये प्रसाद वरसाद है, इधर से मेन एंट्रेंस है। मेन एंट्रेंस कहाँ से? इधर से है। और ये है भाई दुकानें वकानें, तो देख लो बढ़िया है हिसाब किताब। यहाँ से चढ़ रहे हैं ऊपर, ये मंदिर वगैरह है यहाँ, तो ये दुकानें हैं, ये देखो
भीड़ तो है भाई, भीड़ तो है, बाकी देखते हैं नंबर का क्या रहता है, लेट आएगा जल्दी आएगा उसी हिसाब से दर्शन करेंगे। मतलब भीड़ काफ़ी है, प्रसाद की दुकानें ज़्यादा है, जूते उतार दो चप्पल उतार दो वही वाला सिस्टम है जैसा कि ज़्यादातर मंदिरों में होता है। ये भाई प्रसाद वरसाद की दुकान है, इधर इधर से मेन एंट्रेंस है सामने से, यहाँ देखते कई जूते वूते उतार के फिर चलते हैं आगे की तरफ। तो भाई प्रसाद ले रहे हैं, हम तो कह रहे थे भाई से ये एक पकड़ा दे हम यही चढ़ा देंगे, पर भाई बोल रहा नहीं हम बना के देते हैं 100 रुपये का 150 रुपये का, तो वो वाला सिस्टम है। ठीक है भाई, अब 100 रुपये वाला प्रसाद ले लेते हैं और फिर चढ़ा आएंगे मंदिर में। फ़ोन वगैरह कैमरा वगैरह ले जा सकते हो बट अलाउड नहीं है अंदर, मतलब आप फ़ोटो वगैरह अंदर क्लिक नहीं कर सकते, खींच नहीं सकते। तो ये सामने से ही दिखा दूँ, ये मंदिर है और प्रसाद ले लिया, चलते अंदर की तरफ। कामाख्या देवी मंदिर है जो यहाँ तक तो बना ही रहे हैं सब, तो मैंने सोचा हम भी बना ही ले, वैसे तो अलाउड नहीं, ये पूरा कॉरिडोर है मंदिर का, सारे पंडित वगैरह यहाँ बैठे हैं, लोग बाग ये देख रहे हो, बकरे वगैरह खड़े हैं इधर जो चढ़ाए जाते हैं शायद यहाँ पर। और मंदिर में अभी तक तो ज़्यादा भीड़ दिख नहीं रही, बाकी अभी देखते हैं अंदर जाके क्या कुछ मामला है। शेर वेर लगा रखे हैं बढ़िया, पूरे ऐसे लग रहे हैं सोने के, हो बढ़िया कलाकारी कर रखी है भाई साहब। और अंदर की तरफ देखो, यहाँ देखो यहाँ से लोग बाहर निकल के आ रहे हैं और भीड़ इतनी दिख नहीं रही वैसे तो। ये मंदिर है भाई, ये पूरा कामाख्या देवी टेम्पल है जो ये वाला है, जय माई कामाख्या देवी। तो भाई यहाँ से अंदर की तरफ चलेंगे, देखते हैं क्या कुछ रहता है। आ ये मंदिर है देख लो पूरा ए टू जेड, उधर से जाना है अपने को, देखते हैं लाइन कितनी लगी है कितनी नहीं लगी। और भाई साहब इधर खड़े हैं लोग, लाइन तो लगी है भाई साहब बढ़िया वाली, लाइन लग रही है राहुल, लाइन लग रही है बढ़िया वाली, उधर देख ये भाई कबूतर भी बिक रहे हैं, ये वही होंगे भाई जिनको चढ़ाया जाता है। बाकी ये मंदिर है पूरा कॉरिडोर है तो बढ़िया वैसे, लेकिन भीड़ है भाई, लाइन लग रही है, लोग भाग देख कैसे बैठे आराम से अंदर। तो भाई बात ऐसी है, अभी हम अंदर गए थे तो भाई बोल रहे कि 2 बजे तक दर्शन होंगे क्योंकि लाइन बहुत ज़्यादा लंबी है और हमारी ट्रेन है 2:40 की। तो अभी हम डिसाइड करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना, अभी दर्शन हम सोच रहे हैं कि बाहर से हाथ जोड़ के और अपनी यात्रा यहाँ से स्टार्ट करें, और जब वापस घर जाएंगे तो हमें गुवाहाटी में आके रुकना एक दिन, तो सोच रहे हैं इधर से भी है तो रुकना एक दिन, तो उस टाइम हम वहाँ से उस दिन आके दर्शन कर लेंगे, तो सबसे बेस्ट वो ही रहेगा क्योंकि हमारी ऑलरेडी 2:40 की ट्रेन है, तो 2:40 का हमारी ट्रेन है और 2 बजे के इधर दर्शन है, तो हम लेट हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। तो देखते क्या करते क्या नहीं, बाकी वीडियो में बने रहो, दिखाऊंगा दर्शन करते हैं बाहर से या नहीं, बाकी यही तो मंदिर है भाई। अब यहाँ आगे बैठ के गेट नंबर 2 कह रहे हैं इधर से आपको दूर से दर्शन हो जाएंगे, तो कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमें दूर से माता रानी की जो मूर्ति है वो दिख जाए तो अच्छी बात है, हमारे दर्शन हो जाएंगे। ये लोग बाग बैठे हैं यहाँ पर जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, ये सब बैठे हैं सब, और ऊपर देख रहे हैं ऊपर लाइन लगी हुई है जो कि खुलेगी और 2 बजे तक जाके दर्शन होंगे। और ये सामने सारा कॉरिडोर टाइप है, तो अभी देखते हैं कि अंदर हमारे दर्शन दूर से हो जाते हैं या नहीं। तो भाई दर्शन हमारे हो गए हैं, जो ये लाइन लग रखी है ना पीछे, ये ऊपर जो लाइन दिख रही है ये वाली, ये जा रही है गर्भगृह में, और जो माता रानी की मूर्ति है वो 2 नंबर गेट है देख लो ये वाला, इस गेट से आप अंदर जाओगे तो माता रानी की मूर्ति अंदर आप दर्शन कर सकते हो आराम से, प्रसाद अंदर ही चढ़ा सकते हो, सब यहीं से कर रहे हैं। लाइन सिर्फ लग रही है गर्भगृह के अंदर जाने के लिए, तो गर्भगृह के अंदर जाने के लिए अगर हम जाते 2 बजे नंबर आता तो कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि 2:40 की हमारी ट्रेन है, हम लेट हो जाते दीमापुर के लिए। तो यहाँ हमने दर्शन कर लिए अच्छे से और टीका देख रहे लगा है, मतलब मज़ा आ गया, एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी है जो फील हुई थी, तो करनी चाहिए। आप अगर गुवाहाटी आ रहे तो कामाख्या मंदिर जरूर आओ और कामाख्या मंदिर के अंदर आके दर्शन जरूर करो। राहुल अभी उधर गया है, वो वीडियो बना रहा है अपनी, फिर हम आगे की तरफ चलेंगे इधर से, बाकी दर्शन हमारे बहुत अच्छे हो गए बहुत अच्छे। ये मंदिर की गर्भ गुफा है जो ये वाली दिख रही है अंदर, गर्भगृह जिसे बोला जाता है। तो भाई यहाँ गए थे हम, अगरबत्ती लगाई है और राहुल ने दिया जलाया है, मैंने भी अगरबत्ती लगाई थी, तो इधर ही होती है सारी पूजा वगैरह जितनी भी होती है। ये सामने एक छोटा सा मंदिर है, ये माँ कामाख्या देवी टेम्पल है जो मेन, वो सामने जो ये दिख रहा है ये गर्भ गुफा गर्भगृह गर्भगृह और ये उसी की लाइन लग रही है सारी। तो चल रहे
हो गए इधर दर्शन, चले इधर से आ जा। तो इधर सब चल रहे अपन बाहर की तरफ वापस, हमारे हो गए दर्शन। उम्मीद नहीं थी पर 2 बजे अगर गर्भगृह जाना है तो आपको 2 बजे तक यहाँ खड़ा होना पड़ता और 2:40 की हमारी ट्रेन है तो हम लेट हो जाते, इस चक्कर में हम गए नहीं। तो अब यहाँ से कबूतर वगैरह इधर भाई बकरी वगैरह होती हैं वो भेंट चढ़ाई जाती है माई रानी को। ये है माता रानी का देख रहे हो भाई, ये देख लो। तो यहाँ से चलते हैं बाहर की तरफ, ये है पूरा टेम्पल है जो ये है गर्भगृह जो कि कामाख्या जो हमारी माता रानी कामाख्या देवी उनका ये गर्भगृह है। इसके अंदर जाने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता है 2 बजे तक। और इधर VIP कल्चर भी है पर VIP अभी जो लाइन है वो भी बंद है 12 बजे तक। यहाँ से चलते ये है मेन एंट्रेंस, बढ़िया है वैसे भाई, सही है। इतनी भीड़ है नहीं जितनी सोची थी बट वो गर्भगृह के चक्कर में ज़्यादा लाइन लगी है। ये टेम्पल है पूरा, दर्शन होगा। अब यहाँ से हम नागालैंड की यात्रा अपनी शुरू करेंगे। चलना भैया जूते उठाते हैं भाई, यहाँ हमारे जूते थे यहाँ से लेंगे। ये है मेन एंट्रेंस जो कामाख्या देवी टेम्पल की है। तो भाई दर्शन तो हो गए हमारे, बढ़िया हो गए। और अब कुछ लेगा शायद, हाँ अच्छा क्या लेना है, जल मिल रहा है। ये पूरी मार्केट है भाई प्रसाद की, देखो कितने प्यारे प्यारे छोटे। क्या लेना है अपने, तो हो गए बढ़िया वाले दर्शन। और यहाँ से अब चल रहे हैं हम बाहर की तरफ, अपनी ट्रेन है 2:40 की, तो 2:40 में ट्रेन पकड़ के हम निकलेंगे सीधा नागालैंड की तरफ, दीमापुर की तरफ। और दर्शन ये बता दो भाई, इधर नॉर्मल लाइन में भी लग सकते हो, नॉर्मल लाइन में अगर आपको लगना है, गर्भगृह नहीं जाना है तो वो 2 नंबर गेट है वहाँ से आप दर्शन कर सकते हो। और अगर आपको गर्भगृह जाना है तो उसके लिए लाइन लगती है बहुत ज़्यादा, और भीड़ भी थी अभी भी 2 बजे तक का नंबर आता और अभी टाइम हो रखा 9, तो आप लगा लो 5-6 घंटे की लाइन। और VIP कल्चर भी है जिसमें अगर 500 रुपये दोगे तो आप अपना VIP में भी दर्शन कर सकते हो। ये सिस्टम भी होना चाहिए VIP कल्चर का। वैसे क्या लेगा ये, क्या बाकी डिटेल मैंने सारी बताई दी आपको, ये दुकानें वगैरह यहाँ कच्चा रुद्रा। और यहाँ से चलते भाई, ये है इधर से मेन एंट्रेंस, इधर जाके सामने से ही है। क्या ले रहा है ये लड़का भाई, परेशान कर देगा। बाहर का है तो भाई बाहर आ चुके हैं, बाहर भी यहाँ वही है प्रसाद वगैरह की, ये गिफ्ट वगैरह की दुकानें वगैरह है। और यहाँ से एंट्री सामने, ये बस वगैरह खड़ी है, बस पकड़ के कहीं जाना हो तो देख ले यहीं कहीं होगा तो। तो मेरी माँ के हाथ ही फोन होते, तो पूछ लेना मम्मी तो फोन करके हाथ का साइज। तो भाई राहुल ले रहा है आंटी के लिए कुछ सामान, ये देख लो भाई ये दुकान में, ये क्या है भाई सोने के 50 तोला बढ़िया भाई। ओ ले लीजिए प्रसाद, नहीं कुछ और लेना भाई। अरे भैया कुछ और लेना है, प्रसाद नहीं लेना यार यार। किसी लाइन में उधर बता रहा, उधर भाई साहब बड़ा ही रोड़ा है, क्या है भीड़ अच्छी खासी है भाई यहाँ, इस पर तो ना मिले इनको भी मुश्किल है, बैंक नहीं मिलेंगे ज़्यादा। तो भाई राहुल आंटी के लिए कुछ ले रहा सामान जो मिल नहीं रहा यहाँ, आंटी की चीज़ मंगा रही है आंटी कुछ। आंटी मंगाना रही, आंटी गाल बकैना लेकर जाते तो फिर। तो भाई आंटी के लिए ले रहा राहुल कुछ, आंटी छो हो जाए। बाकी अपन चल रहे हैं आगे, देख रहे हैं आगे कुछ, मतलब यहाँ मिल ही नहीं रहे, मतलब बैंगल से ले रहा है ये हाथों में, जो बैंगल मिल जाए शोल वगैरह मिल जाए कुछ भी मिल जाए, पर यहाँ मिल नहीं रहा, यहाँ सिर्फ प्रसाद ही प्रसाद प्रसाद ही प्रसाद है दुकान पर, बच्चों के लिए आर्टिफिशियल ज्वेलरी यही है। इधर दिखा देता हूँ, ये देखो कहाँ, हाँ ये रे मिल तो गए भाई, देखो भाई क्या लेगा ये, उसने पता होगा। लो भाई पार्किंग भी है इधर, मल्टी लेवल कार पार्किंग, रेट रेट तो पता नहीं बाकी ठीक है मार्केट वगैरह। पास की एंट्री भी ना अंदर, हाँ
इधर किससे पूछ लेना जब भी आओ ना, तो किससे पूछ लेना पास लेना है, पर्ची लेनी है अंदर जाने के लिए, तो इधर से पर्ची लोगे तभी आपकी एंट्री होगी नॉर्मल लाइन में भी। हाँ, और बस वगैरह तो ऐसे मिल जाते हैं, ये यहाँ की सरकारी बस है असम स्टेट ट्रांसपोर्ट। और अपने को देखते पहले अपने को पेट पूजा करनी है, भूख लग रही है बहुत ज़बरदस्त वाली। देवोरा एक रेस्टोरेंट। तो भाई ये वीडियो थी कामाख्या देवी टेम्पल की, और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपनी तरफ से तो पूरा जोर लगाया। इधर खा ले, पूछ ले, ये तो वो लग रहा है। तो भाई आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राम राम। और हाँ, घूमते रहा करो यार।